कुकिंग चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मस्टर्ड फिश करी। उसके लिए मैंने 300 ग्राम का फिश ले लिया है, अच्छे से उसे साफ कर लिया है, धो के। एक चम्मच, थोड़ा बड़ा चम्मच का राई लिया हूँ जो मस्टर्ड है। लहसुन और हरी मिर्च लिया हूँ। एक छोटा चम्मच साबुत जीरा लिया हूँ। टमाटर लिया हूँ, प्याज लिया हूँ। अब हम फिश को मैरिनेट करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने नमक डाल दिया है, नमक मैंने थोड़ा कम डाला है क्योंकि करी में भी हमें नमक डालना है। हल्दी डालेंगे, मिर्ची पाउडर। अब हम फिश को मैरिनेट कर लिए, अब उसे फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मच्छी डालेंगे। हम इसे ब्राउन होने तक पलट के भी फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड, साबुत जीरा, लहसुन और हरी मिर्ची को पीस के मसाला बना लिया है। देखिए एक तरफ हो गया है, इसे पलट देंगे। दोनों तरफ अच्छे से उसे पका लेंगे। देखिए फिश हमारा पूरा फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकालेंगे। अब हम बनाएंगे इसका मसाला। तेल ले लिए मैंने 2 बड़े चम्मच। इसमें थोड़ा डाल देंगे पंचफोटन प्याज, जैसे भून लेंगे। पंचफोटन से इसका स्मेल अच्छा आएगा। अब देखिए प्याज हमारा भून चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा जो मसाला मटर का। डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक। आप यहाँ पे मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हरी मिर्ची पीस लिया हूँ इसलिए मिर्ची पाउडर का यूज नहीं कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा तीखा खाते हैं तो डाल सकते हैं। इसमें हम दूसरा कोई मसाला यूज नहीं करेंगे क्योंकि मस्टर्ड अपने आप में ही एक अच्छा मसाला है, इसीलिए दूसरे मसाले का यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर डाल के हम अच्छे से मिला लिया है, थोड़ी देर उसे ढक देंगे ताकि टमाटर नरम हो जाए। अब इसमें मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, आपके पास हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब देखिए मसाला हो गया है हमारा। अब इसमें पानी डाल देंगे और उसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। आपको अगर ग्रेवी पतली चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डालेंगे, अगर ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं चाहिए तो कम पानी डालिए। इसमें मैं एक हरी मिर्ची काट के डाल दे रही हूँ। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालिए, मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैं डाल रही हूँ, आपको अगर सही लग रहा है मत डालिए। अब देखिए मेरा ग्रेवी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फिश। अब देखिए मैंने मच्छी भी डाल दिया था और कितना अच्छे से वो बॉईल हो चुका है। अब हम उसे निकाल लेंगे। देखिए बन के तैयार हो गया है, कितना डिलीशियस दिख रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। बना के खाइए, देखिएगा मज़ा ही आ जाएगा। गरम गरम राइस के साथ मस्टर्ड मसाला फिश बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगेगा। Thank you.
देखिए, अगर आज मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा आगे के आने वाला सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।